आप देख रहे हैं अनिल सिंह जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं, बाकी सदस्यों का परिचय मैं आपको करा चुकी हूं। तो अनिला जी, पहले सवाल मैं आपसे ही ले रही हूं, क्या उम्मीद करें, इस हफ्ते चलेगी क्या संसद का ये जो मॉनसून सेशन है? पिछले दो दिन हमने देखा किस तरह से महज 19-20 मिनट ही कार्रवाई चल पाई है, दो दिन स्थगित होती रही। अब आज क्या उम्मीद करें? सरकार आपकी है तो जिम्मेदारी भी तो आपकी ना सदन चलाने की। जी, मेरी सबको राम राम। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पार्लियामेंट संसद जो है वो काम करने के लिए होता है, वॉकआउट करने के लिए नहीं होता है, कोई भी सत्ताधारी सरकार हो। परंतु अगर वहां पर कोई ना कोई बहाने से हर जो सत्र होता है, चाहे वो मानसून सत्र हो, चाहे वो ग्रीष्म सत्र हो, चाहे वो विंटर सेशन हो, हर बार हमने क्या देखा है, कोई ना कोई मुद्दा उठाया जाएगा और पार्लियामेंट में एक हंगामा क्रिएट किया जाएगा और उस हंगामे के बाद वॉकआउट हो जाएगा, पार्लियामेंट पूरा वॉश आउट हो जाता है। पार्लियामेंट ऐसा है कि किसी भी नेता के पैसे से नहीं चल रहा है। पार्लियामेंट जो है वो हमारे देश के नागरिकों का जो हार्ड अर्न मनी है, उस पर जो टैक्स लगता है, उसके पैसे से चल रहा है। पर यहाँ पर ये लोग ये चीज समझते नहीं है कि यहाँ पे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, आपको ठीक है सत्ताधारी सरकार से बड़ी परेशानी है, कभी आप अडानी के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं, कभी आप पेगासस पे करना चाहते हैं, कभी आप रफाइल पे करना चाहते हैं, कभी आप मणिपुर पे करना चाहते हैं, अनेकों अनेक मुद्दे आप उठाते हैं और उसके बाद इतना हंगामा क्रिएट करते हैं और आप वॉकआउट कर जाते हैं। आप जो है आप आंसरेबल हैं, यानी आपको उत्तर देना पड़ेगा, पूरे भारतवर्ष को देना पड़ेगा। क्या हंगामा करके किसी प्रकार से चर्चा हो सकती है? नहीं हो सकती है। अगर आपको सत्ताधारी सरकार के खिलाफ भी बोलना है तो आप पार्लियामेंट में रहकर बोलिए ना। आपके एक से एक अच्छे ओरेटर्स हैं नेताओं में, आप उनको खड़ा करिए, बोलिए, प्रश्न करिए, उत्तर लीजिए। अब इस चीज पढ़ेंगे नहीं, नहीं नहीं नहीं, हम जो है इस आर्टिकल के तहत करेंगे, उस आर्टिकल के तहत नहीं करेंगे। चर्चा होनी जरूरी है ना, चर्चा की शुरुआत तो करिए, देखिए तो इस भारत की जनता आपके साथ खड़ी हुई है कि नहीं है। केवल INDIA नाम रखने से आप इंडिया के लिए समर्पित नहीं हो पाएंगे। समर्पण चाहिए होता है, समर्पण के लिए बहुत कर्मठ होना पड़ता है, कर्मठ के साथ आपको कार्यरत होते हुए दिखाई भी देना चाहिए, वो हमको दिखाई नहीं देता है। पूजा जी, सीधी सी बात है, हर बार आप देख लीजिए, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं इस महान राष्ट्र के, तब से आप देख लीजिए संसद चलने नहीं दिया जाता, क्योंकि इनको पता है कि लगातार ऐसे कार्य किए जाते हैं संसद में जो जनहित के होते हैं, जो राष्ट्र के हित के होते हैं। परंतु ऐसे नेता जो भारत को, इंडिया को नेशन ही नहीं मानते हो, विदेशी भूमि में जाकर ये बोलते हो इंडिया इज नॉट अ नेशन, आपको लगता है कि किसी भी प्रकार का समर्पण रहेगा? और वो राजनीतिक दल जो है वो मेन लीड ले रहा है INDIA की, तो पार्लियामेंट कभी नहीं चलने देंगे। जो लोग चीन के साथ MOU करते हैं, पाकिस्तान में जाके गुहार लगाते हैं, विदेशी भूमि पर जाकर ये कहते हैं कि हमें सत्ता में लेकर आओ, तो सीधी सी बात है। मैं फाइनली एक ही बात कहना चाहूंगी कि 1942 में हम लोग जो है क्विट इंडिया मूवमेंट में तो नहीं शामिल हो पाए थे, पर ये मोमेंट ऐसा है, ये जो INDIA का फ्रॉड अलायंस है, इसको क्विट करिए, क्विट INDIA।